गाइज आजकल मार्केट में काफी ज्यादा ईवीज की डिमांड है, तो भाई तुम्हारा भाई लिया है एक एमजी ब्रांड की लेटेस्ट ईवी। जो भाई लेटेस्ट एडिशन हमारे पास है, ये है भाई एक स्पेशल एडिशन कह सकते हो भाई एमजी, जो इन्होंने निकाले अपनी 100 ईयर एनिवर्सरी पे। दिस इज एमजी ZS ईवी। सो गाइज आज की वीडियो होने वाली है काफी स्पेशल, क्योंकि कवर अप करने वाला हूँ ये स्पेशल एडिशन भाई एमजी ZS ईवी का। तो भाई करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी करे स्टार्ट। सो गाइज आप मार्केट में सर्च कर रहे हो 20-22 लाख रुपए में हाई पावर एंड विद इको फ्रेंडली इंजन, तो गाइज ये गाड़ी है आपके लिए। सो गाइज प्राइस बता दूं इस गाड़ी का, प्राइस रहने वाला है 18,98,000 एक्सोरूम से गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, 25,22,000 एक्सोरूम तक इसका टॉप वेरिएंट जाता है। और अगर बात करें स्पेशल एडिशन की, जो हमारे पास है एमजी ZS ईवी 100 ईयर स्पेशल एडिशन, तो भाई इसका प्राइस रहने वाला है 24,42,000 एक्सोरूम। गाइज अब बात करें अगर इस गाड़ी की चार्जिंग की, तो भाई यहाँ आपने वो देखने को मिलेगा चार्जिंग पोर्ट्स, 2 चार्जिंग पोर्ट्स देखने को मिलने वाले हैं, ये एसी फास्ट चार्जिंग, ये पोर्टेबल चार्जर। भाई इसमें हमें 2 चार्जर साथ में देखने को मिलने वाले हैं, ये है भाई पोर्टेबल चार्जर जो चार्ज करके देगा गाड़ी को 22 से 23 घंटे में, ये रहने वाला है एसी फास्ट चार्जर जो अपने वो गाड़ी चार्ज करके देगा सिर्फ 7.5-8 घंटे में। और भाई इस गाड़ी में दोनों चार्जर साथ देखने को मिलेंगे, और वेरियंट्स में अपने को सिर्फ 1 चार्जर साथ देखने को मिलता है जो कि रहने वाला है पोर्टेबल, वो एक्स्ट्रा आपको बाय करना पड़ता है। गाइज अब बात करते हैं इस गाड़ी की पावर से, करते हैं इसका बोनट अनलॉक, दिखाता हूँ क्या दिखने को मिलेगा इसके अंदर। ये देखो भाई ये कुछ अपने वो मैकेनिज्म देखने को मिलने वाले, बैटरीज वगैरह का सेटअप जो इस गाड़ी को रन अप करता है, इंजन तो इसमें आता नहीं है। भाई बात करें इसमें देखने को मिलेगी 50.3 किलोवाट की बैटरी जो अपने वो निकाल के देगी 461 किलोमीटर की रेंज। एक बार वापस से आप सेटअप वगैरह देख लो, ये अपने वो वाइपर वगैरह का लिक्विड वॉशर वगैरह देखने को मिल जाते हैं ऑल ओवर। ये देखो भाई ये कुछ रहने वाले इसके अंदर। और भाई बात करें पावर की, सिर्फ 8 सेकेंड्स में क्रॉस कर जाएगी 0 से 100। भाई मैंने ड्राइव ली थी इसकी टेस्ट ड्राइव, भाई हैंडल ऐसे मतलब एक हाथ से कंट्रोल कर रहा, मेरे को पावर का कोई आइडिया नहीं था, लेकिन भाई जो इसकी पावर अल्टीमेट 8 सेकंड्स में 0 to 100 क्रॉस। फ्रंट में अपने को देखने मिलते हैं LED DRLs विद LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, ये अपने को MG की बैजिंग देखने को मिलती है, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा प्रोवाइड किया गया है, यहाँ भी ऑल ओवर फ्रंट आप देख सकते हो। भाई ये जो लुक है ग्रिल्स वगैरह नहीं है, ये पूरा कनेक्टेड है, कुछ ऐसे टाइप के इसमें शेड्स दिए हुए हैं। भाई बाकी AI इनसाइड की बैचिंग देखने मिलती है, ये तो भाई नंबर प्लेट की लोकेशन है, लेकिन भाई इसमें AI वाले फीचर्स हैं वो अंदर जाके बताने वाला हूँ। फ्रंट लुक आप चेकआउट कर सकते हो, ये अपने को चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलने वाला है ऑल ओवर। तो भाई अब करते हैं इस गाड़ी की बैक लुक से बात। गाइस बात करें अब इसके रियर लुक से, तो भाई कुछ ऐसी लुक निकल के आने वाली है। LED टेल लाइट इसमें हमने को प्रोवाइड की गई है विद इंडिकेटर्स, ये आपने वो देखने मिलता है, डीप ओगर विद रेन सेंसिंग वाइपर्स, MG की बैचिंग, 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, अपने वो पार्किंग कैमरा भी देखने को मिलता है 360 डिग्री। और भाई आप सोच रहे हो इसको बूट अनलॉक करने का ऑप्शन क्या है, बूट अनलॉक करने का ऑप्शन MG ने हाइड कर दिया, लोगो वाला दे दिया है। देखो गाइज अब बात करें इस गाड़ी की बूट स्पेस से, भाई देख लो मैं पूरा फिट आ गया। गाइज कैपेसिटी आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, अब फीचर्स दिखा दे, आ जाओ फीचर्स। बूट स्पेस कुछ अपने को कैपेसिटी स्क्रीन पे शो हो रही है, यहाँ पॉकेट देखने को मिल जाती है, उस साइड पॉकेट, लाइट्स देखने को मिल जाती है, पार्शल ट्रे प्रोवाइड की गई है, यहाँ अपने को किट दी गई है, और यहाँ भाई अपने को स्टेफनी टायर दिया गया है। बेसिकली मैं बता दूँ 215/55 R17 inches के इसमें अपने को स्टेफनी टायर देखने को मिलेगा। भाई ये कुछ ऐसे टाइप के मटेरियल की ट्रे देखने को मिलने वाली है। बूट स्पेस अच्छा खासा है, और फ्रंट वाली सीट्स भी रिक्लाइन करके बूट स्पेस एक्सटेंड हो सकता है, अभी करके दिखाता हूँ वीडियो में बने रहो। अभी ये लो गाइस, गाइज ये देखो बूट स्पेस अब अच्छा खासा है, एक्सपेंड हो चुका है, और भाई ये ट्रे और निकाल दी तो भाई कुछ भी सामान इजीली आप कैरी कर सकते हो। अब बात करते हैं गाइज इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल से, साइड लुक चेकआउट करो, डायमेंशंस आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, और यहाँ भाई अलॉय से बात करें भाई ट्रे की तरह लुक दे, 215/55 R17 प्रोफाइल रहने वाली है टायर्स की, और भाई यही सेम प्रोफाइल स्टेफनी में भी अपने को देखने को मिल जाएगी। साइड से यहाँ अपने को इलेक्ट्रिक की बैचिंग देखने को मिल जाएगी, ये देखो साइड में अपने को देखने को मिलता है ब्लैक पियानो फिनिशिंग, अपने को इंडिकेटर्स, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, फोल्डेबल मिरर्स रहने वाले हैं, रिक्वा सेंसर्स देखने को मिलते हैं, रूफ टेल्स देखने को मिल जाती है, पैनारोविक सनरूफ देखने को मिलती है, इतनी बड़ी सनरूफ है, अंदर जाके दिखाऊंगा। गाइज अब बात करते हैं इस गाड़ी की इंटीरियर से, तो भाई इंटीरियर सबसे पहले गाड़ी का डैशबोर्ड चेकआउट करो, लेदर फिनिश दी गई है, कुछ अलग से टाइप का फैब्रिक। AC वेंट्स की बात करें, सर्कुलर में AC वेंट्स दिए गए हैं साइड में,
10.1 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम प्रोवाइड किया गया है। रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव थ्री मोड्स है, बेसिकली गियर है, पार्किंग मोड ये रहा, ये अपने को इलेक्ट्रिक हैंडब्रेक देखने को मिलता है। मोड थ्री मोड्स है, नॉर्मल इको पावर ये अपने को शो करेगा इसके इंफोटेनमेंट में। ये अपने को देखने को मिलते हैं हैंड रेस्ट, ये चेकआउट करो, यहाँ स्पेस चेकआउट करो। वेंटिलेशन सीट कंट्रोल देखने को मिलेंगे, यहाँ अपने को देखने को मिलता है इलेक्ट्रिकल सीट एडजस्टेबल, उस साइड सिंपली मैनुअली एडजस्ट करनी पड़ेगी सीट्स। बाकी अपने को हैंडल टाइप दिया गया है, प्रॉपर लेदर वर्क यूज किया गया है। इसमें AI फंक्शनैलिटी के साथ अपने को फीचर्स दिए गए हैं। अभी सनरूफ ओपन है, पैनारोमिक सनरूफ है, ये दिखा दो भाई, सनरूफ पैनारोमिक सनरूफ है। अभी मैं इसका पूरा शेड अनलॉक कर देता हूँ, ये देखो भाई, अब मैं आपको बंद करके दिखाता हूँ बाय AI फंक्शनैलिटी। हेलो MG, क्लोज द सनरूफ। गाइस ये देखो सनरूफ बंद हो गई भाई। ये फीचर्स इसमें हमने देखने मिलते हैं, वॉइस कंट्रोल बेसिकली इसको बोला जाता है। और भाई ये स्पेशल एडिशन है ना, तो इसमें 100 ईयर्स की MG की बैचिंग प्रोवाइड की गई है। दिखाऊं तो मैं आपको, ये देखो 100 ईयर्स MG बैचिंग, ये देख। और भाई जो इसका इंटीरियर है गाड़ी का, ये अपने को ब्लैक देखने को मिलता है, गाड़ी बाहर से ग्रीन देखने को मिलती है इस एडिशन में ऑल ओवर। भाई ये कुछ अपने को रहने वाला है इसमें, बाकी इसकी अनबॉक्सिंग कर देते हैं। ये देखो भाई, ये अपने को MID डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, अपने को पावर स्पीड वगैरह सब कुछ शो करेगा। स्टेयरिंग कंट्रोल अडास लेवल 2, ये अपने को अडास कंट्रोल दिया गया है। लाइट कंट्रोल, वाइपर कंट्रोल ऑल ओवर फ्रंट में अपने को इतना कुछ देखने को मिलता है। गाइज अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी की रियर कैबिन से। लेग रूम से बात करें, लेग रूम कुछ ऐसे टाइप का देखने को मिलने वाला है, हेडरूम कुछ ऐसा रहने वाला है। मेरी हाइट अप्रोक्स 6 फुट है, तो भाई हेडरूम सही है ऑल ओवर। पैनारोमिक सनरूफ दी गई है बाकी। और भाई यहाँ अपने को AC वेंट्स दिए गए हैं, USB चार्जिंग पॉइंट, C2C टाइप चार्जिंग पॉइंट। ये अपने को हैंड रेस्ट प्रोवाइड किया गया, हैंड रेस्ट में अपने को 2 ग्लास होल्डर्स प्रोवाइड किए गए हैं, कुछ ये रहने वाला है इसमें। और भाई इसमें वेंटिलेशन के होल्स दिए गए हैं, लेकिन इसमें वेंटिलेशन अपने को नहीं देखने को मिलेगी, ये वैसे ही थोड़ी कम्फर्ट के लिए अपने को देखने को मिलते हैं। वेंटिलेशन फ्रंट की सीट्स में अपने को देखने को मिलती है, यहाँ अपने को देखने को मिलती है पार्सल ट्रे, कुछ भी आप इजीली रख सकते हो सामान। भाई ये कुछ रहने वाला है। डोर से बात करें, डोर की लुक दिखा दो भाई, यहाँ अपने कुछ ऐसे टाइप का हैंडल, पावर विंडो, यहाँ अपने को देखने को मिलता है बोतल होल्डर। गाइस ZA CV के मैंने आपको रिव्यूज बता दिया है, कुछ ये फीचर्स रहने वाले हैं। बाकी कस्टमर रिव्यूज की भी मैं कोशिश करूंगा इस गाड़ी के आपके सामने जल्दी वीडियोस निकालूं। और वेरिएंट्स इसमें हमें 4 वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, स्क्रीन पे शो रहे हैं, ये अलग वेरिएंट है, टोटल 5 वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। एक बार फ्रंट से वापस लुक चेकआउट करवा दो भाई इस गाड़ी की, मैं डोर इतने जाके बंद कर देता हूँ ताकि आप देख सको एक गाड़ी की कैसी लुक निकल के आती है। तो भाई अगर ये किसी को भी परचेज करनी है नियर अबाउट हिसार के आसपास, तो भाई कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ जाके कॉन्टैक्ट कर लो, इंक्वायरी है कुछ वहाँ जाके कंफर्म कर लो, यहाँ पे गाड़ी बुक कर लो, ऑफर्स भी आपको बढ़िया अच्छे खासे देखने को मिल जाएंगे। तो भाई जल्दी विजिट करो MG शोरूम हिसार, मेरी वीडियो को जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।